हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडी वी शेप सब्यसाची पैटर्न का ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। मैंने आज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आज इसे तैयार किया है, बहुत ही इजी वे में आज मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा फैशन में है, मतलब लोग इसे पसंद करते हैं। तो आज मैंने इसकी कटिंग आपके लिए तैयार की है, जिसे आज हम ऑफ शोल्डर में बनाएंगे, स्लीवलेस ब्लाउज में बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। स्क्रीन पर से आप नाप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको 12 लंबाई का ब्लाउज बता रही हूँ और 32 सीने का ब्लाउज आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक साइड इसका निकालेंगे। बैक साइड के लिए देखिए हमें क्या करना है, 12 में 1 इंच हम जोड़ेंगे तो 13 इंच का हमारा आएगा, और 32 इंच हमारा ये सीना है तो हम इसका शोल्डर कितने इंच पर ले लेंगे, 5 इंच पर हम इसका शोल्डर लेंगे। देखिए ये 5 इंच पर हमने शोल्डर लिया, 5.5 इंच पर हम इसका आर्म होल लेंगे, 5.5 इंच पर हम इसका आर्म होल लेंगे और ये कोना बना देंगे। देखिए उसके बाद सीना हमारा यहाँ पे 32 इंच का है तो हमने 8 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन रख देंगे। उसके बाद देखिए 1.5 इंच की हम आर्म होल की कटिंग देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा, देखिए पीछे की तरफ जो हमें पट्टी रखनी है वो बिल्कुल 2.5 इंच की पट्टी रखनी है, यानी कि हमको सिर्फ 2 या 3 हुक का ब्लाउज रहेगा ये पीछे से, और हमने आगे की जो गला हमारा है वो 2.5 इंच का है। देखिए पीछे की जो पट्टी हमको रखनी है वो बिल्कुल 2.5 इंच की पट्टी हमको रखनी है, तो आप देखिए ये 2.5 इंच की हमारी पट्टी है, बिल्कुल हमें 2 से 3 हुक की पट्टी हमको यहाँ पे रखनी है। और देखिए हमको ये वी शेप में कटिंग करनी है, इसलिए हम इसका निशान बिल्कुल वी शेप में लगाएंगे, इस प्रकार से निशान लगाएंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड, जब आप इस प्रकार से निशान लगाते हैं तो इससे क्या होता है, गला पीछे से फैला हुआ नहीं मिलता है हमको। तो जब आप पीछे की कटिंग करेंगे तो देखिए ये जो हमारा ये वाला निशान है नीचे का, इसको हल्का सा चौड़ाई में आप लेते हुए इस निशान को नीचे की तरफ इस प्रकार से मिला दीजिए, ये कि जब आप हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो उसके अंदर ये गला आपको वी शेप में मिल जाएगा। ये हमारा वी शेप का गला हो गया है। कमर हमारी यहाँ पे 32 इंच का सीना है हमारा, कमर हम यहाँ पर 28 इंच की लेंगे, तो हमारा 1 इंच बढ़ाकर हम लगाते हैं निशान। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन और ये हमारा बैक साइड का निशान कंप्लीट है। देखिए सबसे पहले हमने बैक साइड तैयार कर लिया, अब हम इसका फ्रंट साइड तैयार करेंगे। तो खुले भाग की तरफ हम फ्रंट साइड तैयार करेंगे इसका। देखिए हमारा जो फ्रंट साइड है वो बंद भाग की तरफ से बनेगा, तो हम इसको निशान इस तरफ लगाएंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लंबाई का निशान लगाइए। आपने 12 इंच की लंबाई का ब्लाउज है आपका, तो 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे इसमें, तो ये हमारा 13.5 लंबाई का ब्लाउज बन जाएगा। नीचे से हम लाइन मार्क कर देंगे। शोल्डर जो है हमारा 5 इंच पर हमने लिया हुआ है, आर्म होल जो है हमारा 5.5 इंच पर हमने लिया है। ये देखिए आर्म होल की कटिंग, ये हमारा कोना, आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर देंगे और इसकी गोलाई लगा देंगे। ये देखिए गोलाई का निशान लगा दिया है। आगे का गला हमने 2.5 इंच पर रखा है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब आप मेन पार्ट जो हमारा है आप इस पर ध्यान दीजिए, आगे का पोर्शन हमारा मेन है। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा मेन पार्ट है तो हमको इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए जब आपने शोल्डर का निशान लगा दिया, आर्म होल का निशान लगा दिया, नीचे की लाइन खींच दी, उसके बाद में आपको बेल्ट वाला भाग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट आप कितने इंच पर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, पीछे का निशान आप 3 इंच पर लगाएंगे। और मैंने जिस प्रकार आपको बताया है, आपको पहले बेल्ट पट्टी निकालनी है, योक पट्टी जिसे आप बोलते हो, ये आपको निकालनी है। इसको आप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, हल्का सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के बीच से 1/2 इंच नीचे की तरफ लेके गोलाई देनी है आपको, बिल्कुल इस प्रकार से। ये देखिए हमने गोलाई का निशान दे दिया है। और आपको जो गला रखना है, डीप गला रखना है, वो आपको इस पट्टी के साथ ही रखना है। देखिए ये यहां से आपका, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ब्लाउज है जिसे आजकल महिलाएं बहुत पसंद कर रही हैं और बहुत ज्यादा ये फैशन में चल रहा है। आप इसे लहंगे के साथ पहन सकते हैं, डिजाइनर साड़ियों के साथ पहन सकते हैं, बहुत सारी टीनेजर्स गर्ल्स भी इसे बहुत पसंद करती हैं। देखिए अब ये हमारा सीना जो है वो 8 इंच का है, हमने 8 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगाया, कमर भी हमारी 8 इंच पर, 1.5 इंच पर हमने मार्जिन का निशान, और ये निशान हमारा इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इसमें अब आपको क्या करना है, कटिंग करनी है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको
प्रिंसेस कट की आपको कटिंग करनी है। आपको देखिए इसमें ये निशान लगाना है 3.5 इंच की दूरी पर। देखिए मैंने ये 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। आपको जो टक्स का निशान लगाना है वो 2.5 इंच का लगाना है। ये देखिए मैंने 2.5 इंच पर टक्स का निशान लगाया है और इस निशान को आपको इस प्रकार से गोलाई में मिला देना है। ये मिलाया आपने, उसके बाद हमको लगभग 1.25 इंच का हमको टक्स का निशान लगाना है। ये हमने 1.25 इंच का टक्स का निशान लगा दिया और इस टक्स के निशान को आपको इस प्रकार से मिलाना है। क्योंकि देखिए ये जो हमारा गला है वो प्रिंस कट में ही आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज लगता है। तो चलिए अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अब ये हमारा मेन पार्ट है। इसे आपको सबसे पहले देखिए इसमें बेल्ट पट्टी निकालनी है इस प्रकार से। ये हमने बेल्ट पट्टी निकाल ली, आपको गले वाला भाग कट करना है। ये गले वाला भाग है हमारा और अब आपको ये प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है। देखिए ये मैंने आपको इसकी इसकी कटिंग करके बताई है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ब्लाउज रेडी होगा। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी देख सकें। अगर आपको फॉर्मूले कटिंग में कोई दिक्कत आती है, आपको फॉर्मूले लेने में दिक्कत आती है, तो आप फॉर्मूले वाली वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।